आप भी तो उसको बहन मानते होगे, भांजी होती होगी, भांजी मानना जी हमारी, अभी भी मान रहे हैं जी हम तो। रिश्ता नहीं होता जी, फौजी भी क्या बोलता उनको, बहने बोलता जी, आज बहन भाई का रिश्ता कलंकित है ना, कलंकित है जी, मानते हो ना आप लोग ये? हाँ जी मानते हैं जी। इन्होंने लड़की को 35 दिन रखा भी, तो आप ये मानते हैं कि आपके भाई ने फौजी ने किया वो भी गलत सही है? गलत किया वो तो जब समाज के तौर पर गलत किया उसने, उनके मेरे फादर ने सुसाइड नोट में सबके नाम भी लिखे हैं। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों हमारा हाथ जोड़कर राम राम। आज पहुंचे हम जीन क्षेत्र के अंदर, गांव पड़ता है, यहां एक अनोखा ही केस आया है, क्योंकि ये भी एक फौजी का सिलसिला है और यहां आज जो है फौजी के पिताजी की 13वीं है और एक अनोखा रिश्ता है। क्या क्या इनके साथ में झगड़ेबाजी हुए हैं, विवाद हुआ है, किस किस तरह क्या क्या है, टोटली जो है सच्चाई का सामना इनके आपके सामने लेके आएंगे, जनता की आवाज़ और खुलते हैं राज। हम परिवार से मिलते हैं और इन्हीं के मुँह से सुनेंगे क्या वजह है क्या नहीं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना शुभ नाम क्या है सर? सुमेर सिंह जी। सुमेर सिंह जी, जो आज ये आपके भाई गुजरे हैं, आपसे छोटे थे बड़े थे? छोटे थे जी। आज 13वीं है इनकी? हाँ जी। किस वजह में, वजह क्या थी इनकी, जो है कैसे गुजरे हैं? ये हमारा भतीजा था जी फौज में जी। आपका भतीजा फौज में, जो मतलब है, आपके भाई गुजरे, इनका बेटा? इनका बेटा जी। क्या नाम है फौजी का? फौजी का गुरुनाम सिंह जी। गुरुनाम सिंह, हाँ जी। तो हाँ जी बताओ, गुरुनाम सिंह, गुरुनाम सिंह ने जी लव मैरिज कर ली थी लड़की से जी। लड़की कहाँ की थी जी? ये बनारसी गांव की थी, पंजाब की जी। बनारसी गांव पंजाब से यहाँ जींद में ब्याही आएगी वो? ब्याही आएगी जी, वो हमारी भणजी लग गई जी सबकी जी, मतलब इस गांव की भणजी थी वो जी। तो हमने शादी का भी पता नहीं चला जी कब कर लीजिए उनकी गाँव हमारे परिवार को। अच्छा एक चीज और पूछना चाहूँगा जी मैं आपसे, आपने बताया इस गांव की हमारे सब की भाणजी थी वो, और भाणजी तो फिर पूरे गांव की भाणजी होगी, तो आप ये नहीं मानते मान ली ये रिश्ता गलत हुआ सही हुआ, आपका क्या मानना? नहीं जी विचार जो गलत हुआ जी रिश्ता जी, हाँ जी रिश्ता गलत हुआ जी, इसमें कुछ हम कर नहीं सकते जी। शादी भी हमारे बगैर पता के हुई है जिनकी, हमें कोई पता नहीं था जी शादी करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, बाद में पता चला जी शादी हुई है जी इसकी 8 अगस्त को। 8 अगस्त को? 25 अगस्त को जी। 25 अगस्त को शादी हुई है, उससे पहले इनके मिलने जुलने के बारे में किसी को खबर नहीं है? किसी को खबर नहीं है, परिवार वालों को खुद भी खबर नहीं है जी। तो महीने के बाद पता चला भाई। ये कौन से डिपार्टमेंट में था ये लड़का? इंडियन नेवी में था जी। क्या नाम बताया भाई का? गुरनाम सिंह। हाँ जी, आपके सगे भाई थे? हाँ मेरे बिग ब्रदर थे जी। अच्छा ये इंडियन नेवी में थे? हाँ इंडियन नेवी में थे। तो फौजी आदमी तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे मतलब आप के ताऊ जी बता रहे हैं कि गांव की भाणजी थी, और जो है इनकी मुलाकात कैसे हुई उस लड़की से? वो तो देख उसी को पता जी, चाहे उस लड़की को पता, लेकिन ये चलो रिश्ता गलत था, लेकिन इसमें माँ बाप तो कुछ नहीं कर सकते, माँ बाप का तो इसमें कोई कसूर नहीं है, फिर भी इनको मारा गया इन द्वारा, आरोपियों द्वारा। ये आरोपी इसी गांव के हैं आपके? हाँ इसी गांव के हैं, उनके मेरे फादर ने सुसाइड नोट में सबके नाम भी लिखे हैं, सब बता के सब लिख के गए हैं, उनके खिलाफ FIR भी कटवाई है। यहाँ जो आपके साधन बता रहे हैं आथापाई मारा पिट्टी हुई, ये कई दिन पहले की बात है? ये है जी 7 तारीख की बात है, जब इन्होंने यहाँ पर घर में घुसकर, इसी महीने 7 तारीख की? हाँ 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 हाँ। तो इन्होंने घर में घुसे तोड़फोड़ की, वीडियो भी हमारे पास उसकी, और मेरे फादर भी जान छुटा के भाग गए पीछे को, मेरी मदर बोली कि अगर आप नहीं जाओगे तो मैं खुद मर जाऊंगी, तो फिर मेरे फादर पीछे को निकल गए, फिर पता नहीं वो कहाँ गए, फिर बाद में पुलिस आई, उसके बाद फिर एक आदमी अंदर घुसे मतलब हमला करने के लिए? कम से कम जी वैसे तो आदमी से 150-200 आदमी थे, वो पूरी पिछली गाड़ जो हमारी उसमें भी तोड़फोड़ करके आए, उसकी वीडियो है फोटो है सब, दूर तक तोड़फोड़ कर दिया। एक मेरे दूसरे भाई ताऊ का लड़का, उसकी गाड़ी भी तोड़ी गई। अच्छा देखो आपको मतलब बहन है आपको भी? हाँ 3 सिस्टर है मेरे। बड़ी है आपसे? हाँ बड़ी है।
कितने बच्चे हो गए उनके? दो तो शादी है, एक अनमैरिड है। अनमैरिड, उसकी उम्र कितनी होगी? 20 साल। 20 साल। एक छोटा क्वेश्चन आपसे भी लेना चाहूँगा मैं, शुभ नाम क्या आपका? सुशील। सुशील बेटे, मान ले आपकी भाणजी 20 साल की होगी और वो भी पूरे गांव की भाणजी है, और जो ब्याह आई वो भी पूरे गांव की भाणजी है, आपका मानना है जी? पूरे गांव की भाणजी है। मान ले इस आपकी जो सगी भाणजी है उसका रिश्ता इसी गांव में जुड़े या वो दूसरा पक्ष है, वो ब्याह गला है, तो कैसा लगेगा आपको? रिश्ता तो गलत ही है जी, हाँ, लेकिन इसमें माँ बाप तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो आप ये मानते हैं कि आपके भाई ने फौजी ने किया वो भी गलत, तक सही है? हाँ गलत किया, वो तो जब समाज के तौर पर गलत किया उसने, हाँ गलत है बिल्कुल, लेकिन इसमें माँ बाप का तो कोई कसूर नहीं है। माँ बाप का क्या कसूर है? माँ बाप को पता ही नहीं किसी चीज़ का, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो बस पता है कि वो जॉब पर है, ठीक है। इसमें कुछ गाँव में बैठना उठना, पंचायत बोल बतला के जैसे कुछ सलूशन निकल जाए, ऐसा समाधान नहीं आया बीच में कुछ? बीच में कुछ नहीं भाई, इनकी पंचायत हो या आरोपियों के जिसके नाम लिखे हैं, इन्होंने मेरे फादर ऊपर दबाव बनाया गया कि लड़के को ला कर दो, नहीं लड़के को मार देंगे, ऐसे ऐसे। फिर ये लड़की को ले भी आए थे, इनकी लड़की को, इन्होंने लड़की को 35 दिन रखा भी, 35 दिन के बाद हमें नहीं पता, इन्होंने 112 आई, 112 लड़की को ले गई, फिर इनके SDM में बयान हुए, SDM उचाणा में ये नहीं पता मैं क्या बयान हुए, वो वहाँ पर कॉपी मिल जाएगी, क्या बयान दिए क्या नहीं, लड़की ने बयान दिए वहाँ पर। जब सारे गांव की भाणजी है जी, अगर ये रिश्ता नहीं होता तो आप भी तो उसको बहन मानते होगे, भाणजी होती होगी? भाणजी मानना जी, भाणजी मानना जी, अभी भी मान रहे हैं। रिश्ता नहीं होता तो फौजी भी क्या बोलता उनको? बहने बोलता जी, बहन। आज बहन भाई का रिश्ता कलंकित है ना? कलंकित है जी। मानते हो ना आप लोग ये? हाँ जी मानते हैं जी। जी समाज में बिल्कुल गलत है ये चीज। आज मतलब ये लोगों का जनता देख रही है आपको, और ये जो है रिश्ते को मतलब तार तार करने वाली बात है, तार तार करने वाली बात है ये। और दूसरी बात एक और, जो अगर मान ले आपकी भाणजी भी इस गांव में आएगी तो गुस्सा तो आपको भी होगा? हाँ जी, वो आज गुस्सा जी। कुछ देर के लिए मानते हैं कि मतलब उन गुस्से में हाथापाई की है या और कोई है, दर्द बनेगा कुछ देर तक, मतलब आदमी गुस्सा होता है तो गुस्से में कुछ भी हो जाओ, हाँ जी, झगड़े का तो ऊपर में होता है जी। हाँ जी। लेकिन इसमें माँ बाप का तो कोई कसूर नहीं है ना? माँ बाप बच्चे को कोई सलाह नहीं देता भाई गलत काम करो। माँ बाप को क्यों मारे? मेरे फादर जिस दिन हमला किया इन्होंने गए हैं, तो उसके बाद भी इन्होंने दबाव दिया कि आपकी लड़की को उठा लेंगे, ऐसे कर देंगे, बहुत ज़्यादा दबाव दिया, यानी उन्होंने जीने से अच्छा मरना बेहतर समझा आपके पिताजी ने। हाँ अभी जो है इतना दबाव हो लिया आपके साथ, माथापाई हो ली, मकान के बता रहे हो शीशे वीशे फोड़ दिए, कई सारे आदमी घर में घुस गए, हाँ गेट तोड़ रखा है, वीडियो है, इतना नुकसान होया, आज भी वो फौजी है आपका भाई जो है, आज भी उस लड़की को साथ में लेकर रह रहा है? हमें नहीं पता उसका कहाँ है वो, कहाँ नहीं है। आपका पिताजी गुजरे हैं, दाह संस्कार पर आए हैं? नहीं आए। और अभी 13वीं रस्म तक बीच में आए नहीं? नहीं, नहीं आए। तो फिर आप ये देखो, उन्होंने घर परिवार भी सब कुछ छोड़ के भी पिताजी की डेथ पाने का नहीं हुआ, तो ऐसे रिश्ते क्या वैल्यू रखें जी? कुछ वैल्यू नहीं रखते जी। पहले ही नहीं वैल्यू थी, पहले भी वैल्यू को नहीं मारा, लेकिन उन्होंने आरोपियों ने बहुत ज़्यादा दबाव दिया, ले उन इनका यही था बस इसको मारना, कैसे मारो मेरे फादर को मारना, कि माँ बाप का तो इसमें कोई कसूर नहीं है, तो माँ बाप को मार दिया इन्होंने, ये आरोप लगाया इन्होंने, लिख के गया वो तो कोई वो झूठ नहीं उसमें, किसी बात का वो नहीं, फेक नहीं है। दूसरी बात, फौजिया क्या नाम बताया भाई का? गुरनाम। छोटे भाई जी, हमारा एक ही कहना है जो आपके माँ बाप हैं, क्योंकि न तो ये शिक्षा दे रहे कि भाई गांव की भाणजी से शादी रचाओ आप लोग, और एक आपके कारण जो है पूरा परिवार तबाह हो गया। आज ऐसा क्या हो गया जो आप पिताजी के दाह संस्कार में भी नहीं आ पाए, 13वीं होली तो भी नहीं आ पाए? वजह एक ये गलत तरीके का रिश्ता, गलत तरीके का रिश्ता ये ना। हाँ इस जो है रिश्ते से पहले जो दूसरा पक्ष आपका पड़ोस में लड़की मामा है, उनसे कभी झगड़ाबाजी हुआ था आपका? नहीं, कोई झगड़ाबाजी नहीं, पहले कोई झगड़ाबाजी नहीं था, अभी इन साथ में आए थे वो मारने के लिए मेरे फादर को। तो मेन मतलब ये इशू, ये गलत तरीके का रिश्ता होया इसी कारण हुआ ना सारा? हाँ हाँ हाँ, इसी कारण।
तो अभी जो है जनता देख रही है आपको, प्रशासन से क्या कहना चाहोगे आप लोग अपने पिताजी के न्याय के लिए, और भाई ने आपके सही किया गलत किया क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरे फादर की आत्मा को जब भी शांति मिलेगी, जब इन आरोपियों को सजा मिलेगी, इतने मेरे पिताजी की आत्मा में शांति नहीं मिलेगी। और जो मेरे बड़े भाई ने गलत किया, ठीक है, बड़ा भाई था उसने गलत किया, वो तो हमारा अब है ही नहीं, पहले भी नहीं था, मेरे फादर ने उसको कर दिया था कि जाओ, मैं नहीं, ना वो आया ना उसको आने देता मेरा फादर, लेकिन उन्होंने मेरे फादर को मारना था, आरोप डाला ना। मतलब आपके पिताजी ने इस शादी को इनकार नहीं किया, मतलब आपके पिताजी विरोध कर रहे थे शादी का? हाँ हाँ, वो भाई फौजी से, हाँ हाँ, वो आए नहीं, वो बाहर घर से बहिष्कार कर दिया कि भाई आप ये रिश्ता रखोगे तो घर में मत आना। हाँ हाँ हाँ, ये हाँ ये बात हुई थी, बेदखल कर दिया था जी। हाँ जी, कितना टाइम पहले करा बेदखल? शादी पता लगने के बाद कर दिया था जी, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं माना, फिर भी दबाव दिया, बोले ऐसे बेदखल हो, कोई नहीं मानता, तू लड़के को ले कर दे, ऐसे ले गए, लेकिन मेरे फादर ने तभी जीने से अच्छा मरना बेहतर समझा। एक और नया काला सच फौजी का, क्योंकि हम फौज के हर डिपार्टमेंट को सलूट करते हैं, फौज को भी और पूरे डिपार्टमेंट को भी, लेकिन ऐसे फौजी को नहीं। पिछले 4-5 दिन से इशू चल रहा है, 2 फौजी दागी हो रहे हैं, हमारे पास 10-15 कॉल भी आई है फौजियों की कि जी आप पूरे फौजियों क्यों कह रहे हो, लेकिन एक फौजी है तो उसको पीएन कैसे दर्शाएं हम? फौजी है तो फौजी बोला जाएगा, किसी भी सेना के किसी डिपार्टमेंट के ऊपर, किसी भी ऑफिसर के ऊपर, छोटा है या बड़ा सिपाही है, किसी के ऊपर आरोप नहीं है, लेकिन जो जैसे कर्म कर रहा है वो दिखाना पड़ेगा, ये मीडिया का अपना परमो कर्म है, धर्म है। ऐसे फौजी के ऊपर जो है हम चाहते हैं उसका डिपार्टमेंट भी एक्शन ले, एक उसकी सोच के कारण उसका स्वार्थ ही मानेंगे, ये पूरा परिवार तबाह हो गया, पिताजी चल बसे और घर में आने लायक नहीं, बेदखल हो गए, और क्या कहलाता है एक फौजी। तो इसमें जो है परिवार मांग कर रहा है पिताजी के इंसाफ के लिए प्रशासन से, और जो है वजह हुई एक सरासरी एक फौजी, इनका बड़ा भाई, जिनके कारण सारा विवाद घर तबाह हो गया, बर्बादी हो गई बिल्कुल। तो टोटली ये मीडिया का कोई भी आरोप नहीं है इसमें। हाँ जी, कुछ कहना चाहूँगा? ये देखो, मेरे भाई ने गलत किया, ठीक है, उसने तो गलत कर दिया, मेरे फादर ने उसको बाहर निकाल दिया, लेकिन इन्होंने मारा मेरे फादर को, इन्होंने उस पर इतना दबाव दिया, इतनी जान से मारने की धमकी भी दे के गए, यहाँ पर किल की भी मारी बहुत, वो करा तभी मेरे फादर मरे। अभी पुलिस से आप लोग क्या कहना चाहोगे? पुलिस से बस यही कहना चाहिए, जो आरोपी है इनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको जल्दी गिरफ्तारी कीजिए। आप लोग टोटली पिक्चर आपके सामने है, इसमें मीडिया का आरोप नहीं है, हमारे लिए ये परिवार भी ऐसा है, और जो इनसे गिले शिकवे हैं वो भी ऐसा है। अगर अपना पक्ष दूसरा परिवार रखना चाहता है तो हमें कोई एतराज नहीं, रख सकता है। रही दूसरी बात, आज इनका बेटा पुलिस से अपने कार्रवाई की मांग करते हैं, और इसमें आप लोगों को क्या लगा, सही क्या लगा, फौजी का बिहेव कैसा लगा, इनका कसूर क्या लगा आपने, टोटली कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते रहना, अपनी राय देते रहना, और इसको ज़्यादा शेयर करते रहना, और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।